हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक ही वीडियो में जो भी क्यूआरई सेक्शन प्लस जीए की जितनी भी बुक्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। ऑल्सो जो भी नए हैं इस चैनल पे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सारे सेक्शंस पे इंडिविजुअली मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि पीडीएफ रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स और बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है इन ईच सेक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको लिंक आई बटन ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जो भी मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ, कोशिश कीजिए अगर उसके पीडीएफ अरेंज हो जाए तो आप पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी आप बुक परचेज कीजिए। ऑल्सो जो भी मैं बुक्स बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको वही लेना है। जो भी आपके पास बुक्स है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं उससे, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रिपरेशन उससे, क्योंकि ये वीडियोस बिगनर्स भी देख रहे होंगे, सो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स, देखिए, आपको बुक्स तो फॉलो करनी है, बट उसके साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी फॉलो करना है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, वेरस बुक्स को थोड़ा टाइम लगता है न्यू पैटर्न पब्लिश करने में। सो ऐसा नहीं है बस बुक्स पर रिलाई करना है, बोथ वेज चलना है। जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैं क्या करती थी, बेसिक्स जो है मैं बुक से तैयार कर लेती थी, बट मेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पे रिलाई नहीं करती थी। आई यूज टू रिलाई मोर ऑन दी ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड दी मॉक्स, क्योंकि मॉक्स ही सबसे बेस्ट आपका प्रिपरेशन करवा देता है मेंस लेवल की। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, ऑल दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए न्यू होता है, किसी ने भी अपने 10th या 12th तक नहीं पढ़ा होता है सेक्शन को, तो सबका लेवल भी एक ही होता है स्टार्टिंग में। ऑल्सो रीजनिंग की देखिए, कोई बहुत ऐसी बुक नहीं है जो आपका मेंस बहुत बिल्कुल क्लियर करवा देगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक से डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। तो देखिए, एक आती है न्यू अप्रोच टू रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, बीएस सिजवाली की ये बुक है, अच्छी बुक है। आपको कह लीजिए अगर आप कंप्लीट पैकेज एक चाहते हैं, एक ही बुक में आपका सब कुछ टॉपिक कवर हो जाए, तो उस चीज के लिए ये बेस्ट बुक है। और बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है इसमें, बेसिक टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, बट हाँ, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे, और फिर आप जंप कर सकते हैं मॉक्स या जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं हाई लेवल के लिए। दूसरी बुक आती है एस रीजनिंग की, अड्डा की आती है ये, और ये भी अच्छी बुक है, बट दिस इज ओनली फोकस्ड ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स जो होते हैं। तो जैसे आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, तो उसके लिए ये बुक नहीं है, क्योंकि इसमें बस बैंकिंग से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वही हैं। जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आते हैं एसएससी में या जो पैटर्न आता है एसएससी रेलवेज में, वो ये बुक कवर नहीं करेगी। बट इफ यू आर जस्ट एमिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, दिस वुड बी अ वेरी गुड बुक। फिर जो तीसरी बुक है वो है आर एस अग्रवाल की, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये भी अच्छी बुक है। ऑल्सो ये मल्टीपल एग्जाम्स को कैप्चर करती है। तो देखिए, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो आप करेंगे नहीं कि एक एग्जाम के लिए एक बुक लेंगे, तो भाई इतना पैसा भी नहीं है, तो आप एक बुक लो और उससे मल्टीपल एग्जाम्स कवर करो, यही सबका मोटिव होता है इनफैक्ट। तो आप डेफिनेटली अगर आपके पास है ये आर एस अग्रवाल, आप ले सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन, इसमें भी बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक बट आपका क्लियर हो जाएगा इन सारी बुक से। अब हम बात करते हैं मेंस। तो जैसा मैंने कहा, कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपका मेंस पूरा कवर कर दे। आपको सबको पता है एनालिटिकल रीजनिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन इन मेंस आफ्टर द पजल। सो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड एक एमके पांडे की बुक आती है, ये काफी अच्छी है, मैंने खुद भी रेफर की थी, और इस पे मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसके रिव्यूज के लिए। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे बुक्स जो भी मैं रेफर कर रही हूँ, जो भी मैं वीडियो रेफर कर रही हूँ, सबके लिंक्स मैं दे दूंगी। सो ये काफी अच्छी बुक्स है। इवन इफ यू हैव परचेज अ कोर्स पैकेज या फिर आप कोई भी यूट्यूब फैकल्टी फॉलो करते हैं, तो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक जरूर बाय करें, क्योंकि इससे क्या है, आपके जो पूरा एनालिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, सारे इस पे अच्छे से समझाया गया है और क्वेश्चंस की कमी नहीं होने वाली है इस बुक में। बट हाँ, ये बस मैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए ही रिफर करूंगी, ये और किसी टॉपिक के लिए नहीं है सफिशियंट। इनफैक्ट इसमें सिलॉक्स भी समझाया हुआ है AEIO मेथड से, बट बहुत लंबा मेथड है। बट हाँ, ये जरूर कहूंगी मैं, ये थोड़ी सी लेंदी बुक है, तो अगर आपके पास हाथ में टाइम है तो ही आप इसको पढ़ सकते हैं, बट एक बार आप ये पढ़ ले तो आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पजल्स की बात की जाए तो एक आती है ओलिव बोर्ड की, पजल मैनिया, ये काफी अच्छी बुक है, इसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। और एक के कुंदन की मैजिकल बुक ऑन पजल्स आती है, ये भी अच्छी बुक है, बट
आई टेल यू टू प्रिफर ऑलिव बोर्ड ओवर के कुंदन, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग पे ज्यादा फोकस होगा. ऑल्सो न्यू पैटर्न जो भी है वो कवर होंगे ऑलिव बोर्ड में भी. बट ऑफकोर्स आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी. मेरी बात की जाए तो देखिए, मैंने अरिहंत की जो सबसे पहले बुक दिखाई थी वो मैंने फॉलो की थी, क्योंकि मार्केट में उस टाइम इतने ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे. अब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. प्लस ये एमके पांडे जो है ये भी मैंने रेफर की थी. एंड टू बी ऑनेस्ट, पजल्स के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी. इनफैक्ट मैं पजल्स बस ऑनलाइन से ही पढ़ती थी, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने से. ऑफलाइन बहुत कन्वीनियंटली आप पजल सॉल्व कर पाते हैं, भी लाइन मिस नहीं हो पाती है. बट व्हेन यू गो ऑन ऑनलाइन, आपको पहले स्क्रॉल करना है, पढ़ना है, फिर आपको नीचे अपनी कॉपी में लिखना है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है ऑनलाइन. फ्रेंड्स, ये हो गई रीजनिंग की बात. अब हम मूव करते हैं क्वांट पे. सो क्वांट पे देखिए, प्रीलिम्स के लिए आप सबको पता होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल. जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये बुक ऑलमोस्ट पता ही रहती है. मैंने भी यही रेफर की थी प्रीलिम्स के लिए. ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर देगी, और सारे चैप्टर्स इनके इसमें इंक्लूडेड है, बीट एनी एग्जाम. तो देखिए, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन इसमें नहीं है, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. बस बेसिक के लिए ही है ये बुक. और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आगे भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है बेसिक्स पे क्वांट में. दूसरी बुक जो है वो है एस क्वांट बाय अड्डा 24/7. ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं. इस बुक में लेवल वाइज क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास है रेफर कर सकते हैं आप. फिर तीसरी है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय राजेश वर्मा. ये भी काफी फेमस बुक है. पर्सनली आई नॉट विस्टेड दिस बुक, बट रिव्यूज अच्छे हैं इस बुक के. ऑल्सो यहाँ पे भी लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. मैं कहूंगी इन तीनों बुक में से कोई भी है तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा. अब हम मेंस की बात करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका क्वांट शुरुआत से ही अच्छा रहा हो, आप कह लीजिए वीक नहीं रहे हो क्वांट में, और आपका बेसिक भी अच्छे से हो चुका है, तो आप डेफिनेटली जो मैं बुक्स अब बताने वाली हूँ वो आपको परचेज करनी चाहिए. हाँ, अगर आपका बहुत वीक है क्वांट तो पहले आप कोशिश कीजिए इन सारे बुक्स से आप अपना बेस बढ़ाइए और थोड़े एवरेज लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तभी फिर आप मेंस की बुक रेफर कीजिए. देखिए, ऐसा नहीं है जो मैं बुक्स अभी बताने वाली हूँ उसमें आपकी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होगी या बेसिक क्लियर नहीं होगा उससे. ऑफकोर्स उसमें भी बेसिक पार्ट दिया हुआ है, बट वहां पे लैंग्वेज जो थोड़ी है वो डिफिकल्ट है, और जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे अगर आपकी क्वांट वीक है तो. द फर्स्ट बुक इज क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा. काफी फेमस बुक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, लेवल वन है, टू है, थ्री है. तो अगर आप वन और टू तक भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके मेंस की तैयारी हो जाएगी. थ्री में काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस है. ऑल्सो अगर आप लेवल थ्री तक करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है सॉल्व करना. तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि अभी एग्जाम को काफी महीने हैं तो आप डेफिनेटली लेवल थ्री तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो. अदरवाइज लेवल टू तक काफी सफिशियंट रहेगा बैंकिंग एग्जाम्स के. बट हाँ, ये है कैट एग्जाम जो होते हैं एमबीए एग्जाम्स, उस पर फोकस है. तो जो पैटर्न मिलेंगे आपको वो कैट बेस्ड पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने मॉक्स से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मॉक्स में क्या होगा, आपको जो पैटर्न है वो पता चलेगा कि बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे आते हैं. जो दूसरी बुक है गाइज वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट अगेन बाय अरुण शर्मा. अरुण शर्मा काफी फेमस राइटर है, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन दी एमबीए एग्जाम्स. सो ये भी अच्छी बुक है, अगर आपके पास है आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं. इसमें भी लेवल वाइज क्वेश्चंस हैं, बट अगेन योर बेसिक शुड बी क्लियर बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस इन दीज बुक्स. सो मैंने जो रेफर की थी वो थी आर एस अग्रवाल की क्वांट, और जो दूसरी बुक मैंने रेफर की थी वो थी क्वांटम कैट, ठीक है. सो ये दोनों बुक से मैंने अपनी क्वांट की प्रिपरेशन की थी और काफी सफिशियंट थे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल पे थे. तो अब हम डीआई की बुक्स की बात करेंगे. ऑल्सो फ्रेंड्स, इस डीआई बुक्स पे मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने रिव्यू किए हुए हैं ये सारे बुक्स डिटेल में. तो आप प्लीज उसको भी गो थ्रू कीजिए, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक होंगी, पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं दे पाऊंगी. देखिए, ये सारे बुक्स हैं डीआई के लिए. अगेन डीआई फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, तो ये भी अच्छी बुक है, बट अगेन यहाँ पे आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस. फिर ऑलिव बोर्ड की बहुत फेमस बुक आती है डीआई की, इसमें भी आपका प्री प्लस मेंस कवर हो जाएगा, तो आप ये भी बिल्कुल ले सकते हैं. अड्डा की भी आती है, वो भी अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं. के कुंदन की भी डीआई की बुक आती है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हैं. बट अगर आपको काफी हाई लेवल की डीआई चाहिए, ये आई वुड से बट ओनली आफ्टर योर बेसिक इज क्लियर. अदरवाइज माय सजेशन वुड बी कि ओलिव बोर्ड या अड्डा में से कोई एक ले ले, प्रिफर ओलिव बोर्ड ओवर अड्डा. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है इंग्लिश में. वो कैप सेक्शन होता है, रीडिंग का होता है, जो आरसीज एक्सेट्रा होती है, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रामर सेक्शन पे फोकस्ड. तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक्स, जहां से आपकी ये ग्रामर पोर्शन जो है वो हो जाएगा उन सारी बुक्स पे. द फर्स्ट इज रेनन मार्टिन ग्रामर की बुक आती है. आई गेस जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो उन्होंने रेफर की होगी ये स्कूल डेज में.
बट दिस इज नॉट ऑन बैंकिंग, बट इफ यू आर मोर फोकस्ड ऑन पर्टिकुलरली ऑन द बैंकिंग एग्जाम और उसके क्वेश्चंस पे, तो आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई एस पी बख्शी आती है बुक, वो रेफर करनी चाहिए, अच्छी बुक है। बट मैं आपको ये तभी सजेस्ट करूंगी, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो और या फिर आपकी इंग्लिश जो है वो मान लीजिए एवरेज है, बहुत ज्यादा वीक नहीं। बट द गुड पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि आपका सारे चैप्टर्स जो हैं, जो भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, सारे यहाँ पे कवर होते हैं। तो ग्रामर के भी पोर्शन है, वो कैप्स का भी कवर होता है यहाँ पे, प्लस आरसी, प्लस क्लोज टेस्ट जो आते हैं आजकल, वो सारा कुछ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर वीक नहीं है एटलीस्ट इंग्लिश में, तो आप जरूर ये बुक रेफर कर सकते हैं। तीसरी जो बुक है वो है प्लिंग टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, तो ये भी काफी फेमस बुक है। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस इज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, सेम बुक में। तो जो भी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनकी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, उनको ये जरूर रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं इस बुक में वो इंग्लिश में भी दिए हैं, हिंदी में भी दिए हैं, तो आप दोनों की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं ये कहूंगी बेसिक्स के लिए आप इन दोनों में से एक बुक रेफर कीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। इफ योर इंग्लिश इज अ बिट बेटर, आप एस पी बख्शी की ले लीजिए, अदरवाइज प्लिंग टू पैरामाउंट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कैप्स की। तो वो कैप्स की देखिए, एक होता है न्यूज़पेपर से आप या फिर करें वो कैप अपनी, विच इज वेरी गुड सॉल्यूशन, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे और चीजों के में हेल्प होती है आपकी। अदरवाइज अगर आपको वो लेंदी प्रोसेस लगता है, तो वर्ड पार मेड इजी एक आती है वो नॉर्मन लुईस की, काफी फेमस बुक है। इसमें क्या है, आपको रूट वर्ड समझाए गए हैं। तो मान लीजिए किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं भी आता एग्जाम में, तो ये रूट वर्ड की हेल्प से आप एटलीस्ट सही गेस कर पाओगे कि इसके अप्रोक्सीमेट मीनिंग क्या होगी उस वर्ड की। बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ लेंदी बुक, टाइम रहना चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने में एग्जाम है या दो महीने में एग्जाम है और तब आप इस बुक को पढ़ना शुरू करें। तीसरा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। गाइस अगर आप कोई बुक लेना चाह रहे हैं, तो एक कैट एग्जाम के लिए अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है बाई निशित के सिन्हा, तो वो भी अच्छी बुक है। उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो मैं कहूंगी अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप बिल्कुल इसको रेफर कर सकते हैं टू इम्प्रूव इट मोर, अदरवाइज यू कैन रिलाई ऑन दी ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल। सो फ्रेंड्स अपनी बात करूं तो मैंने रेफर की थी रेन एंड मार्टिन की ये वाली बुक जस्ट फॉर द ग्रामर सेक्शन, एंड मैंने वर्ड पार मेड इजी नॉर्मन लुईस की रेफर की थी। इसके अलावा मैं इंग्लिश में कोई भी बुक मैंने रेफर नहीं की थी, मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही पढ़ती थी, जो भी इंग्लिश सेक्शन है ना, ऑफकोर्स न्यूज़पेपर में रीड करती थी। सो ऑफकोर्स अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, आप ये सारी बुक्स में से कोई भी रेफर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ जो है जीए। सो फ्रेंड्स जीए में मैं आपको कोई भी बुक रेफर नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज इतने ऑनलाइन मटेरियल्स हैं कि आपको कमी नहीं पड़ सकती है। तो आप सबको पता है जीए सेक्शन करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके पे बेस्ड होता है, ये उनका डिवीजन है। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो देखिए जो भी मैं आपको रेफर करने वाली हूँ, पीडीएफ या यूट्यूब चैनल या जो भी साइट्स हैं, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, वीकली भी मिलते हैं, मंथली भी मिलते हैं। तो आप चाहे पीडीएफ रेफर करें, वीडियो, क्विज, न्यूज़पेपर, कोई भी रेफर कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स इन सारे सेक्शंस में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, क्योंकि वहां मैं थोड़ा सा डिटेल्ड मैंने बताया हुआ है और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा क्विक चल रही हूँ, अदरवाइज द वीडियो वुड गो टू लॉन्ग। देखिए करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब रिसोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं, ये दोनों सर का चैनल है, कपिल काकपाल सर और अंडर 24/7 पे आशीष गौतम सर है, इनके अराउंड 7 या 8 AM पे रोज मॉर्निंग में इनकी क्लास होती है, अराउंड 40-50 मिनट्स की होती है सेशन। तो रोज का जो भी करंट अफेयर्स है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ रिसोर्सेज पे भी रिलाई कर सकते हैं। सो अफेयर्स क्लाउड आप सबको पता ही होगा कि काफी फेमस है, एंड बाकी भी जितने ये मैंने वेबसाइट्स लिखे हुए हैं सब पे डेली आते हैं करंट अफेयर्स, आप रेफर कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी अफेयर्स क्लाउड और स्टडी आईक्यू, इनमें से आपके पास एक तो जरूर होना चाहिए और फिर बाकी इन चारों में से आप कोई भी एक ले लो। बट ऑफकोर्स दोनों ऊपर वाले जो हैं वो पेड हैं, तो इफ यू कांट अफोर्ड, इट्स वेरी मिनिमल चार्जेस, बट स्टिल इफ यू कांट अफोर्ड, ऑफकोर्स नीचे से चार के कोई दो आप रिफर कर लो, क्योंकि एक पे रिलाई करना थोड़ा सा रिस्की होता है, दो अगर आप रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे हो तो सारा आपका करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएगा। फिर देखिए इसके अलावा क्विजेस भी आते हैं, तो आप अगर रिविजन चाहते हो तो आप कोई भी इन वेबसाइट से रिवाइज कर सकते हो क्विज के फॉर्म में, एब्सोल्युटली फ्री है ये सारे क्विज। फिर ऑफकोर्स न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, एज आई सेड न्यूज़पेपर
कि बस एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. कोई भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ना शुरू करिए न्यूज़पेपर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स गाइस. अब हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस आप कहाँ से कर सकते हैं. तो देखिए पहला पार्ट जो बैंकिंग अवेयरनेस में होता है वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जनरल बैंकिंग, जैसे व्हाट इज रेपो रेट या फिर व्हाट इज आरटीजीएस, इस टाइप की जो स्टैटिक होती है, जो चेंज नहीं होती है, उस टाइप की बैंकिंग अवेयरनेस होती है टॉपिक्स. तो देखिए बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है कि काफी लेंदी बुक्स होती हैं और इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में. बुक्स जनरली हम जब बैंकिंग के अंदर जाते हैं, जेआईबी एग्जाम्स होते हैं, तब हम बुक्स को रेफर करते हैं. अदरवाइज आप क्या करो, पीडीएफ आते हैं, इन सारे साइट्स पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के. मैं लिंक उनका नीचे शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उनको. और एल्स यूट्यूब वीडियोस पे भी आते हैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर हैं जनरल अवेयरनेस के लिए उन पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे. अब हम बात करते हैं डायनेमिक बैंकिंग अवेयरनेस की, जो कि करंट अफेयर्स का ही सेक्शन होता है. तो जो भी न्यूज है बैंक्स और आरबीआई पे फोकस या जो भी बैंकिंग नॉलेज है उस पे बेस्ड करंट अफेयर्स, वो आपका कवर होगा डायनेमिक बैंकिंग अवेयरनेस में. फिर जो लास्ट सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस में वो स्टैटिक जीके होता है, बट इसका बस 10% ही पूछा जाता है. आजकल बहुत कम पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट रिसोर्सेज की बात की जाए तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इन सारे साइट्स पे, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना. तो आपको वही चीजें कवर करनी है स्टैटिक जीके में जो रिसेंटली न्यूज में रही हो, तो आप इन सब की मदद से पीडीएफ की आप कर सकते हो. अदरवाइज क्विज फॉर्म में भी आप ये लगा के अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो. जो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन लगता है जीए का, बट हाँ आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते उसके लिए, वो है जनरल अवेयरनेस पार कैप्सूल, जो कि अड्डा 24/7 निकालता है बिफोर वन मंथ बिफोर द एग्जाम. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आरआरबी पीओ पीओ एसबीआई मीन्स 2021 के पहले जो उन्होंने कैप्सूल निकाला था वो है. इसमें क्या है, आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी हो जाएगा, स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज जो होती है वो भी कवर हो जाएगा, स्टैटिक जीके जो होता है जो कि बस 10% आता है वो भी कवर हो जाएगा. बट ये इन द फॉर्म ऑफ आप कह लीजिए रिवीजन है, आप बस इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मेंस में ही जीए पूछा जाता है और मेंस में एक एक मार्क्स की कितनी अहमियत है आपको पता है. तो लास्ट मोमेंट पे आप इतनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीए काफी स्कोरिंग सेक्शन है, आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी है. बट मैं ये कहूंगी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं पूरा सिलेबस, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर एक बार तो देखें बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम. टॉकिंग अबाउट मी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने क्या है बुक रेफर की थी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि उस टाइम इतने ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे. आजकल बहुत ज्यादा पीडीएफ मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट बहुत लेंदी बुक थी टू बी ऑनेस्ट, तो पूरा कवर करना बहुत मुश्किल था. ऑल्सो सिंस यू नो आई वॉज वर्किंग वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पीओ एग्जाम्स, तो मेरे पास इतना बफर नहीं होता था कि मैं डेली करंट अफेयर्स करूं. तो मैं क्या करती थी, वीकली ही बस करंट अफेयर्स करती थी वीकेंड वीकेंड पे. बट हाँ मैं जनरल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देती थी वीकेंड पे. तो उस टाइम एक बुक आती थी, मैगजीन आती थी इनफैक्ट, प्रतियोगिता दर्पण नाम से आती थी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स स्टिल देयर और नॉट, बट मैं इसको परचेज करती थी, रेफर करती थी. और हाँ ऑनलाइन जो भी मुझे रिसोर्सेज मिलते थे उन्हें सब्सक्राइब करके मुझे जो भी पीडीएफ और ये सारे नोटिफिकेशन आते थे मैं उसको रेफर करती थी. तो ये दोनों चीज मैंने करंट अफेयर्स के लिए किया था. और हाँ वीक में 2-3 बार मैं इसको रिवाइज जरूर कर लेती थी, मैं कुछ नया नहीं पढ़ती थी बट रिवाइज जरूर कर लेती थी जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं. तो इस वे में जो भी आपका टाइम स्लॉट अलाउ करता है, जो भी आपके पास टाइम है, आप जितना डिवोट कर सकते हो उस हिसाब से आप अपना एक जीए का टाइम टेबल बना सकते हैं. हाँ अगर आप फुल टाइम आप बस प्रिपरेशन पे ही हैं, तो मैं जरूर कहूंगी कि डेली या ट्वाइस इन अ वीक जरूर एक बार आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, ताकि लास्ट में बहुत बिल्डअप ना हो पाए आपका जो पूरा सिलेबस है करंट अफेयर्स का. सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट सेक्शंस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ी सी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में. बट अगेन एज आई से इट्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, आप जिस भी बुक से कंफर्टेबल हो आप करें, बिकॉज बिगनर्स भी देखते हैं ये चैनल, सो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगा इन सारी बुक से. सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.